तो दोस्तों, बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। खाना पना जुटाना किसी जंग से कम नहीं रह गया है और आने वाले समय में यह संकट और भी गहराने वाला है। खाने पीने की चीजें इतनी कम हो गई हैं कि लोगों को अपनी जेबें तक खाली करनी पड़ रही हैं। अगस्त महीने में खाद्यान्न महंगाई दर 20% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले 40 सालों में सबसे ऊंची दर है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में करीब 60% का इजाफा हुआ है, जिसने खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ा दिए हैं। बांग्लादेश एक गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है और इसका असर हर घर पर साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस संकट से उभरने में सक्षम है या फिर हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में महंगाई का यह है कि दाल की कीमतें 35% तक बढ़ गई हैं, जबकि मीट 30% तक महंगा हो चुका है। सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है और अंडे और चाय पत्ती की कीमतें 233% तक पहुंच गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोग अब यह कहने पर मजबूर हैं कि 2 वक्त की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। आटे के दाम में भी 60% की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी खाना भी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद करना है। अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हो, जब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार तक बदल गई थी श्रीलंका। जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है? पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दरअसल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब अपने ही देश की गरीब जनता के लिए कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वे भारत से कर्ज माफी के लिए घुटने टेकने को भी तैयार हैं। बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अब तो लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली, जो बांग्लादेश के भोजन का अहम हिस्सा है, मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। डीजल के आसमान छूते दामों ने मछुआरों के लिए समंदर में नाव लेकर जाना और मछली पकड़ना मुश्किल कर दिया है। इस स्थिति ने बांग्लादेश की जनता को खाने पीने में कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। प्रोटीन की कमी के चलते बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। यह किसी से छुपा नहीं है कि बांग्लादेश का भोजन भारतीय फूड पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर सी फूड पर। लेकिन सी फूड का उत्पादन अब धीमा पड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जहाजों का संचालन महंगा हो गया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही आयात करता है और किसी अन्य देश से सस्ती कीमत पर यह आयात करना संभव नहीं है। इस संकट ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से भारत के और करीब ला दिया है कि भारत से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बंद होने का मतलब है कि देश का सीफूड बाजार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार की इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और देश की जनता इसके लिए भारी कीमत चुका रही है। पूरी दुनिया में भारत की तेल रिफाइनरी की क्षमता का 4th नंबर पर आना यह दर्शाता है कि हम ऊर्जा उत्पादन में कितने आगे हैं। जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो भारत 3रे नंबर पर है और यह कोई मामूली बात नहीं है। हम दुनिया भर के देशों को पेट्रोल रिफाइन करके बेचते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश भारत के बेहद करीब होने के कारण यहाँ से सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात कर लेता है। लेकिन अगर बांग्लादेश को यह सामान चीन से मंगवाना पड़े तो उन्हें काफी महंगे दाम चुकाने होंगे। चीन की महंगी दरें बांग्लादेश की कमर तोड़ सकती हैं। यही कारण है कि अगर भारत चाहे तो वह इस रिफाइंड पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है,
वह रिफाइंड पेट्रोलियम ही है जिसका मूल्य $1 मिलियन तक है। अगर भारत ने इस रिफाइंड पेट्रोलियम को बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया तो वहां भारी महंगाई देखने को मिल सकती है जिससे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, बांग्लादेश भारत पर इतना ज्यादा निर्भर है कि पिछले 26 सालों से लगातार यह भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम का आयात बढ़ाता जा रहा है। हर साल इसमें 10% की ग्रोथ देखी जा रही है। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, बांग्लादेश भारत से रिकॉर्ड मात्रा में पैकेज्ड मेडिसिन और चावल भी मंगाता है। लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से भारत और बांग्लादेश के व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं। यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है इसका अंदाजा बांग्लादेश को जल्द ही हो जाएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो, जिसके कारण भारत को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन इसका असली खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो उनके देश के लिए दिन पर दिन नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। बांग्लादेश का अधिकांश कारोबार ठप हो चुका है और जो कुछ भी कमाई हो रही थी वह ज्यादातर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से हो रही थी, लेकिन अब कर्फ्यू और विरोध प्रदर्शनों के कारण लगभग सभी फैक्ट्रियां और कारखाने बंद पड़े हैं जो थोड़ा बहुत उत्पादन हो भी रहा है वह बांग्लादेश के अंदर ही खप रहा है, जिससे देश की कमाई लगभग शून्य हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग $20 बिलियन का था अब तेजी से घट रहा है। बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई ने आसमान छू लिया है और लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं, इस समय बांग्लादेश पर लगभग $2 अरब का बकाया हो चुका है जिसमें भारत की कई कंपनियां भी शामिल हैं। बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों से भारत के कई एयरपोर्ट और पावर जनरेशन प्लांट्स को पेमेंट नहीं किया है, जबकि इनसे मिलने वाली सुविधाएं बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी हैं। आज बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर होती जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के विरोध में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि उन्हें अपने देश के हित भी नजर नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो उसे भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करना होगा। भारत से सामान को सस्ती दरों पर खरीदा जा सकता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सरकार अपने अहंकार को छोड़कर सही कदम उठाएगी या फिर देश को और भी गहरे संकट में धकेल देगी। भारत जो एक बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश की नजदीकी होने के बावजूद उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। चीन और भारत के सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं तो बांग्लादेश को भी भारत से व्यापार करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है?